दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सतना डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ रोचक फैक्ट के साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सतना मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग के विंध्य क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। फ्रेंड, इस शहर का नाम यहाँ बहने वाली सतना नदी के नाम पर पड़ा है। वैसे तो ये शहर पवित्र टूंस नदी के किनारे बसा है जो इस शहर को कुदरती रूप से संवारने का काम करती है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी रहा है। इसके आसपास चहोर हिंदू, जैन व बौद्ध के प्राचीन स्थान हैं, जो कि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं। यह जिला ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है। फ्रेंड, सतना अत्यंत रमणीय, शांत वातावरण, मन को प्रफुल्लित करने वाला शहर है जहाँ प्रेम व्यवहार एवं आपसी भाईचारा सर्वप्रथम आता है। यहाँ के लोग काफी मिलनसार एवं सहयोग की भावना रखने वाले होते हैं। फ्रेंड, यह शहर समुद्र तल से 415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भोपाल से 452 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ प्रादेशिक राजमार्ग 146 पर है और देश की राजधानी दिल्ली से 755 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर है। फ्रेंड, सतना भारत के चूना पत्थर उत्पादन का एक मुख्य केंद्र है। इसी वजह से सतना आज के समय में देश के कुल सीमेंट उत्पादन में लगभग 8-9% की हिस्सेदारी रखता है। सतना में डोमोलाइट और चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से सतना में सीमेंट का उत्पादन और निर्यात करने वाली 10 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था सीमेंट निर्माण, हथकरघा बुनाई, आटा, तिलहन मिलिंग, कृषि और कपड़े के उत्पादन पर निर्भर है। फ्रेंड, सतना जिला रीवा मंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय सतना में है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 7502 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार सतना की जनसंख्या 22 लाख के लगभग है और सतना की साक्षरता 73.79% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 927 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 19.17% रहा है। फ्रेंड, इस जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल तहसील के साथ 7 ब्लॉक में भी किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं और कुछ विधानसभा क्षेत्र है जो कि सतना लोकसभा के अंतर्गत आती है। अगर बात करें पड़ोसी जिलों की तो सतना के उत्तर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के जिले हैं। उत्तर पूर्व में रीवा जिला है, पूर्व में सीधी जिला है, दक्षिण पूर्व में शहडोल जिला है, दक्षिण में उमरिया जिला है, दक्षिण पश्चिम में कटनी जिला है और पश्चिम में पन्ना जिला है। फ्रेंड, सतना शहर में कई सारे धार्मिक, प्राकृतिक और पुरातत्व संबंधी खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे चित्रकूट धाम। चित्रकूट धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का एक शहर है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट यह हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित कई मंदिरों और स्थलों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट की आध्यात्मिक विरासत पौराणिक युगों तक फैली हुई है। यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय बिताया था। यहाँ कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद हैं जैसे गुप्त गोदावरी, रामघाट स्थल, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, भरत मिलाप मंदिर, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड, रामसिया गांव, शबरी फॉल्स, गणेशवा आदि। इनके अलावा भी चित्रकूट में कई सारे स्थल मौजूद है। मेहर का शारदा देवी का मंदिर। मेहर का शारदा देवी का मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में आपको माँ शारदा की भव्य प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। माँ शारदा के मंदिर से आपको पूरे महल का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। मंदिर के पीछे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। भरहुत सतना। भरहुत सतना शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यह एक बौद्ध साइट है। यहाँ पर आपको पत्थरों पर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। भरहुत स्तूप सतना जिले से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप प्राचीन बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख भी देखने के लिए मिलता है। यह जगह खूबसूरत है और एक पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड, इनके अलावा भी सतना शहर में कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद हैं जैसे राम वन मंदिर, पुष्करणी पार्क, मैत्री पार्क आदि। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।